अब सब अपना बुक रख दो पहले। क्या मुंह में डाली हो? हाँ, कल कौन दिया है? दे ऐसे फैला के रखते हैं? हाँ, जब पढ़ नहीं रही हो तो रखो। चलो पपड़िया बनाने चलते हैं। कल चलो अंशु, चला जाए। खेले थे हम नाई बाहर में दुआरे पर हम माटी के लगा रोके था जी सकली है। पन्नी के उड़िया रहा हेलो, तो देखिए हम लोग आ गए हैं छत पे और यहाँ पर अब हम लोग जा रहे हैं पापड़ बनाने। आराध्या आओ। और देखिए यहाँ पर आराध्या भी बैठ गई है पापड़ बनाने के लिए। वो जिद कर रही थी कि मैं भी बनाऊंगी, लेकिन वो उतना अच्छे से तो बना नहीं पाएगी, फिर भी ऐसे बना रही है, उतना अच्छे से नहीं बना पा रही है। तो इस तरह से पापड़ ना बहुत जल्दी बन भी जाता है और इसको बनाना बहुत ही आसान होता है। तो मैं यहाँ पर दो पाव सिर्फ चावल का आटा ली हूँ और देखिए कितना सारा पापड़ इसमें बनेगा, बहुत सारा पापड़ बनेगा। तो अगर आपको इस तरह से पापड़ बनाना पसंद होगा तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, तो मैं इसकी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये बहुत ही क्रिस्टी बनता है और आसान भी है बनाना और बहुत जल्दी बन जाता है। देखिए ऐसे इसका शेप बनता जाता है, ऐसे मतलब इसको इसको शेप देने की ज़रूरत नहीं होती है, ऐसे चम्मच से ऐसे इसको रखना रहता है और अपने आप इसका शेप आ जाता है। कैसा बना रही हो तू? कितना गिरा रही हो? हाँ, सब इधर उधर भी जा रहे, देखो कैसा बना रही हो। छोटा छोटा ऐसे ऐसे कर देगी, अपना अच्छे से बन रहा है ना, अपना खा लेना। हाँ, तो देखिए मेरे सारे पापड़ बन गए हैं, हम लोग बना चुके हैं। आराध्या तुम ही बनाई हो सब ना? तुम बनाई हो? अकेले? हाँ। चलो नीचे चला जाए। क्या नहीं पर रहोगी? तो हम लोग चल रहे हैं नीचे। चलो आराध्या, चलो चलो। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।